नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए किसान अपनी आय में और इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर पशुपालन को बढ़ावा दे रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र के लिए भेड़ और बकरी पालन करने पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार का ये कदम भेड़, बकरी और सुअर पालने वाले लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। इस योजना को रूरल बैकयार्ड भेड़, बकरी और सुअर पालन योजना का नाम दिया गया है, जो कि पशुपालन विभाग की देखरेख में चलाई जाएगी। खबरों के अनुसार इस योजना में भेड़, बकरी पालने वालों को यूनिट के हिसाब से पशु दिए जाएंगे, जिसमें एक नर और 10 मादा भेड़ बकरियां होंगी, तो वहीं सुअर की हर यूनिट में एक नर और 3 मादाएं होंगी। इस योजना के तहत भेड़ और बकरी पालन के प्रोजेक्ट की कीमत 66,000 रुपये और सुअर पालन के प्रोजेक्ट की कीमत 21,000 रुपये प्रति इकाई तय की गई है। इसके अलावा योजना के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 30% की राशि दे रही है, जबकि बाकी 10% अंश पशुपालकों को खुद लगाना पड़ेगा, जिसके चलते भेड़ बकरी पालने वाले पशुपालकों को 6,600 रुपये और सुअर पालकों को 2,100 रुपये योजना के तहत खोले गए खाते में जमा करने होंगे। अन्ना मवेशियों की समस्या से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे बुरा हाल है। आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान ना सिर्फ अपनी रातें काली करने पर मजबूर हैं, बल्कि इतना सब करने के बाद भी उनकी फसलों को होने वाले नुकसान को झेल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार प्रदेश के किसानों की समस्या को उठाकर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से आवारा पशुओं के मुद्दों पर कई स्लोगन, पोस्टर और वीडियो कैंपेन तैयार किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू इन मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा अब इसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 15,000 नुक्कड़ सभाएं करने का प्लान तैयार किया है। कुछ खबरों की माने तो फरवरी के दूसरे हफ्ते से कांग्रेस किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी, जिसे बाद में बड़े आंदोलन में बदले जाने की भी तैयारी है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस अभियान में हिस्सा लेने यूपी के कई जिलों में जाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी इन सभाओं के लिए साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में किसानों को एक छत के नीचे बीज और कीटनाशक दवाएं आसानी से मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कन्नौज जिले के सभी 8 विकास खंडों में शॉपिंग मॉल की तर्ज पर किसान कल्याण केंद्र बनवाने जा रही है, जिसके चलते कृषि विभाग को निदेशालय से इस साल एक केंद्र बनाने का आदेश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत ने ब्लॉक परिसर में जमीन की उपलब्धता कराकर इस प्रस्ताव को कृषि विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को कृषि निदेशालय को भेजा जाएगा, जिसको निदेशालय की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र के निर्माण पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस केंद्र के बनने से किसानों को जहाँ बीज और कृषि रक्षा दवाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकेंगी, तो वहीं इसके चलते किसानों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन केंद्रों पर उन्हें कई तरह की किस्म की दवाएं और बीज उपलब्धता हो सकेगा। साथ ही केंद्र में एक ऑडिटोरियम हॉल भी बनाया जाएगा, जहां किसानों को नई योजनाओं के साथ ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि किसान कल्याण केंद्र बनने से कन्नौज के तिरवा तहसील के आसपास के कई गाँव ठटिया, हसेरन, उमरदा और अन्य गाँवों को इससे काफी फायदा मिलेगा। तो वहीं जिले के कृषि अधिकारी राम मिलन परिहार की माने तो उन्होंने कहा कि किसान कल्याण केंद्र मॉडल जिले के सभी 8 विकास खंडों में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक समय से पहुंचा सके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।